हार्ड हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट के लिए, क्या आपको मैथ्स हार्ड जाता है? तो क्या आपको एग्जाम में कम मार्क्स मिलते हैं मैथ सब्जेक्ट में? तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। मेक टाइम फॉर दिस सब्जेक्ट ईच डे। सो गाइस, फर्स्ट टिप, जैसे कि आपने देखी होगी, फर्स्ट टिप है टू मेक टाइम फॉर योर सब्जेक्ट ईच डे। मतलब आप आधा से एक घंटा इस सब्जेक्ट के लिए दो, ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें, जो आपको अगर फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं तो आप उस पर प्रैक्टिस करो, वो कैसे सॉल्व करने वो ट्राई करो। स्टार्ट सॉल्विंग एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो गाइस देखिए आपने देखा सेकेंड टिप, तो आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, वो तो आपको दिखाए होते हैं टेक्स्ट बुक में। जैसे कि तो गाइस जैसे कि देखा आप लोगों ने, ये मेरी हेड क्लास की मैथ्स टेक्स्ट बुक, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दिखाती हूँ, जैसे कि ये ज्योमेट्री का है, तो इसमें एक एग्जांपल है, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे स्टेप्स होती है, ये सारा दिया है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर देखना और इसको प्रैक्टिस करना। क्लियर ऑल योर डाउट्स। जैसे कि आप लोगों ने देखी थर्ड टिप है कि क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे क्लियर ज़रूर करना, क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो आप रॉन्ग आपका आंसर लिखेंगे, रॉन्ग स्टेप से आप वो पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है अपने डाउट्स क्लियर करना। ओके, नोट ऑल योर फॉर्मूलाज गाइस। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये है हमारी टिप, राइट डाउन ऑल योर फॉर्मूलाज। आपको जितने भी फॉर्मूले सिखाए हैं या आपने सीखे हैं वो सारे एक बार नोट डाउन कर लेना। ओके, तो गाइस जब भी आप कुछ मैथ फॉर्मूला का कर रहे हो सम, तो हमेशा ये फॉर्मूला चार्ट अपने साथ रखना, ताकि आप फॉर्मूला इजीली सी कर सके। रिव्यू इनकरेक्ट आंसर्स केयरफुली। तो फिफ्थ टिप है, रिव्यू ऑल योर इनकरेक्ट आंसर्स केयरफुली। मतलब क्या? तो आपके जो भी इनकरेक्ट आंसर्स है, जो गलत आंसर्स है, वो आपको बहुत केयरफुली उसको ध्यान से देखना होगा। उसमें आपने क्या मिस्टेक की है क्या नहीं, वो आपको बहुत केयरफुली देखना होगा, उस पर ऊपर बहुत स्टडी करना होगा, क्योंकि मिस्टेक्स में से हम बहुत सीखते हैं। ओके गाइस, ट्राई टू हेल्प समवन एल्स। तो हमारी सिक्स्थ टिप है, ट्राई टू हेल्प समवन एल्स। आप दूसरों को भी इसके हेल्प कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपका भी स्टडी हो सके। अगर आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो आपको भी वो कंसेप्ट क्लियर होने में, वो कंसेप्ट की प्रैक्टिस होने में अपने आप मदद हो जाती है। ओके, टेक मैथ्स सीरियसली एंड स्टे मोटिवेटेड। ऑलवेज रिमेंबर, एम्ब्रेस मैथ्स इंस्टेड ऑफ डिसगार्डिंग इट। एंड द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। गाइस, ये थी हमारी आज की 7 इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर ये आपको अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब